हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो गुड मॉर्निंग, मेरा सुबह का रूटीन चालू हो चुका है। मैं काम कर चुकी हूँ, झाड़ू पोछा वगैरह जितना भी काम घर का होता है ना, वो सब कर चुकी हूँ। और अभी मैं पूजा करके आई हूँ और सोचा थोड़े से बाल बना लेती हूँ और छोटा मोटा थोड़ा बहुत मेकअप करना है बस वो कर लेती हूँ। डेली तो नहीं करती हूँ, कभी कभार करती हूँ। कभी कभी तो ना पूरे पूरे दिन कंघी नहीं पड़ती है बालों में। गौरी और प्रिंस की दोनों की क्लास चालू है ऑनलाइन, तो दोनों कर रहे हैं पढ़ाई बाहर हॉल में। और ये निकले हैं नहा के, तो मैं इनसे ही बात कर रही हूँ और नाश्ते की भी पूछ रही हूँ कि क्या बनाऊँ। तो बोल रहे हैं पोहा बना लो, और पोहा जल्दी भी बन जाता है, तो सोच रही हूँ मैं भी वही बना लेती हूँ क्योंकि वो जल्दी बनता है और अच्छा भी लगता है। नाश्ते में ना चाय के साथ पोहा बहुत टेस्टी लगता है, तो वही बना लेती हूँ। नहीं तो फिर आलू के पराठे वगैरह कुछ बनाती ना, तो सुबह जब काम करती हूँ ना, तो उसी टाइम पर बॉयल करने रख देती हूँ। और इधर देखो प्रिंस मेरे कान में कुछ बोलने आए हैं पापा से छुप के कुछ बोला मैंने जल्दी सुन नहीं पाया क्योंकि बहुत धीरे बोला ना, इसलिए तो वही पता नहीं क्या बोला, मेरी समझ में ही नहीं आया कुछ भी। और इधर ना मैं पोहा डाल रही हूँ पानी में। जब तक पानी से पोहा, ज़्यादा देर तो भिगोंगी नहीं, फटाक से डाल के निकाल लूँगी इसको। 1 या 2 मिनट के लिए रखती हूँ बस, ज़्यादा नहीं रखती हूँ, 1 मिनट भी नहीं रखती हूँ, जल्दी निकाल लेती हूँ क्योंकि ज़्यादा गल जाता है ना तो फिर बहुत अच्छा नहीं बनता है। और इधर देखो चाय भी बन गई है, इसको भी फटाफट खोला ले। जितनी चाय खोलेगी उतना ही चाय में टेस्ट आता है। तो भाई मैं तो जब चाय बनाती हूँ तो अच्छे से खोलाती हूँ इसको, बहुत कड़ाती हूँ। ज़्यादा कड़ी हुई चाय में टेस्ट अलग ही आता है, बहुत अच्छी बनती है। करूंगी जाके आराम, फिर बनाऊंगी खाना बाद में। अब नाश्ता वगैरह से फ्री हो गई हूँ, अब सिर्फ खाने का बाकी है। अभी कितना टाइम हो रहा है? 11:30 बज रहे हैं। देखो अभी जो स्नैप भेजूंगी ना, देखना क्या भेजा है मैंने, रिंग लाइट का भेजा है। खाना दिया था बेटा मछली को? सही बात है। खुशी का बर्थडे, आई लव यू को वीडियो एडिट करना है। किसका बर्थडे आज? खुशी का बर्थडे, मेरी फ्रेंड का। तुम्हारी खुशी बर्थडे? किसका बर्थडे भाई? किसका बर्थडे? ये कुर्ती ना मैं कल मार्केट गई तो मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली। होता है ना, जब कोई चीज़ अगर पसंद आ जाए और तो ऐसा लगता है बस इसको ले ही लो, तो मुझे कंट्रोल ही नहीं हुआ तो मैंने ले ली, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, डेली वेयर के लिए बहुत ही अच्छी है, बहुत ही हल्की है, कपड़ा भी बहुत सॉफ्ट है इसका। और थोड़ी ना ये चुनरी टाइप की लग रही है ना, चुनरी होती है ना उसी टाइप में इसकी डिज़ाइन है। और कपड़ा इसका हकीकत में बहुत सॉफ्ट था, और ब्लू कलर है, ब्लू कलर ना मुझे अच्छा लगता है। ब्लू है, एक वो लाइट लाइट ग्रीन जैसा रहता है ना सुबह पंखे जैसा, वो कलर, उस कलर की मैं कुर्ती और लेके आऊँगी। मेरे पास ड्रेस है उस कलर का, वो मैं कुर्ती लाई ना आप लोगों को दिखाई मैंने, वो कल ना मैं बड़े मार्केट गई थी सब्जी लेने, तो मुझे वहाँ पर कुर्ती लोकल मार्केट में कुर्ती ऐसी दिखी मुझे टंगी हुई, तो मुझे अच्छी लगी तो मैंने ली।
और इधर जरा कपड़ा मार दे रही हूँ थोड़ा सा ये, क्योंकि ना धूल मिट्टी बहुत बैठ जाती है, डेली का ही रहता है। एक आध दिन भले भी जाए नहीं ध्यान दे पाऊँ या टाइम नहीं मिले तो, लेकिन अधिकतर ना ये धूल मिट्टी पे कपड़ा मारना ही पड़ता है और ये कमरा पूरा फैला फैला हो जाता है हॉल, तो इसको तो ठीक करना ही है। दिन में कम से कम 4-5 बार तो होता ही है, ये अधिकतर बता रही हूँ 4 से 5 बार ये सोफ़ा को ठीक करना पड़ता है, पूरा झाड़ झाड़ के ठीक करना पड़ता है। झाड़ती तो खैर 2 ही बार हूँ दिन में, लेकिन ये ठीक तो 4-5 बार हो जाता है, तो बस इसको कर देती हूँ ठीक। जब सोफ़ा ठीक कर दिया तो देखा यहाँ भी मिट्टी बैठी थी, तो सोचा इस पे भी मार देती हूँ, जो निगाह में आ जाता है ना तो उसको ही क्लीन कर देती हूँ। मेरे वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं आप लोग, मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राइट हैंड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होता है, उसको क्लिक करोगे तो ना मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और जो घंटी होती है नोटिफिकेशन बेल की, उसको क्लिक करेंगे ना तो वीडियो अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन आएगा आपके पास। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करके मुझे बताइए। अभी देखो काम से थोड़ा फ्री हुई हूँ, बैठी हूँ और अब जा रही हूँ किचन में दोपहर का खाना बनाने के लिए। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ, खाना बनाऊँगी। इधर देखो दाल में सीटी भी आ रही है कुकर में, और ये नाश्ता के जो बर्तन धुले रखे थे उनको भी लगा दूँगी, क्योंकि स्लिप पे जगह नहीं रहती है ना, तो इनको लगा दूँगी और फिर खाना बनाऊँगी। वैसे तो मेट्रो से लेके आती थी, लेकिन इस बार नहीं लाई मैं आटा, मैं यहीं से ले लेती हूँ, आटा नहीं लेके आती हूँ मेट्रो से। राशन भरती हूँ ना महीने का, उसमें आटा नहीं लेके आती हूँ, क्योंकि आटा का ना बहुत ज़्यादा वेट भी हो जाता है और फिर लाने में भी दिक्कत होता है, इसलिए लोकल में ही वहाँ से भैया के यहाँ फ़ोन कर देती हूँ, वो घर पर छोड़ देते हैं, तो अभी आटा लेके आएंगे। वो अभी तो है, अभी भी हो जाएगा, शाम को भी हो जाएगा, इतना है, लेकिन अभी वो लेके आएंगे। क्या मतलब है आटे का इतना भारी वेट लेके इतनी दूर से आओ बोरोवली से, इसलिए आटा नहीं लाती हूँ राशन में, आटा मैं यहीं से ले लेती हूँ। अभी दाल बन रही है, और चने की सीटी आ गई है, और उधर चने की दाल बना रही हूँ। आटा गूंद के रख दिया है, उधर हो रहा है पानी गरम, दाल गाढ़ी हो गई है, क्योंकि ज़्यादा पानी डालती हूँ ना तो कुकर में ऊपर से निकलने लगती है, इसलिए दाल में मैं कम ही पानी रखती हूँ सीटी जगाने के पहले, और बाद में गर्म करके डाल देती हूँ, क्योंकि तड़का मारूंगी ना तो गर्म करके पानी डाल दूंगी तो सही हो जाएगी दाल, और पहले से अगर पानी ज़्यादा डाल दो तो पूरा कुकर फिकने लगता है ऊपर से, इसलिए नहीं डालती हूँ। तभी पानी गर्म हो जाएगा, दाल में डाल दूंगी और फिर मसाला काट के दाल बनाऊंगी। उड़द और चने की दाल इनको बहुत अच्छी लगती है, मुझे नहीं अच्छी लगती है, मुझे ना सादा उड़द की अच्छी लगती है, सादा उड़द की दाल वो अच्छी लगती है जो खाली लहसुन डाल के बनती है वो वाली, और मेरे पति देव को उड़द चने की अच्छी लगती है, तो कभी कभी वैसे ही बना लेती हूँ, कभी कभी ये भी बना लेती हूँ, आज उनकी पसंद की बना रही हूँ। पानी गर्म हो गया है दाल में, अब दाल में डाल दूंगी और उसके बाद फिर चमकूंगी। आटा वाले भैया आ गए हैं, प्रिंस आ रही हो को।
आटा वाले आ गए, लेके आती हूँ। कितना हुआ? 400 रुपए। कितना हुआ? क्या मेरा 2 किलो का फायदा हो गया? ये आटे के साथ ना 2 किलो आटा फ्री आया है। 10 किलो बोल रही थी, मैंने बोला 10 किलो का पैकेट लाना, तो बोलते हैं 10 किलो में ऑफर नहीं था, 5 किलो में ऑफर था, तो 5-5 किलो के 2 लेके आए हैं और 2 किलो फ्री आया। गैस चालू है, मेरी गैस चालू है अंदर, सब आटा वाले भैया आ गए तो छोड़ के आना पड़ा पैसे देने। दालें तो सब एक सी ही बनती हैं, जैसे सब दालों में तड़का लगता है ना, वैसे ही इस दाल में भी लगता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें मैंने जो लाल मिर्च रहती है ना खड़ी वाली, उससे नहीं लगाया तड़का, इसमें हींग जीरा और लहसुन डाल के प्याज डाल के ब्राउन किया है। इसके बाद मैं इसमें टमाटर छोड़ दूँगी और फिर मसाले छोड़ दूँगी, वही धनिया मिर्चा हल्दी वगैरह, और इसको भून लूँगी और उसके बाद इसमें मैं दाल छोड़ दूँगी और बस मीडियम आँच पर पकाऊँगी। तो देखो दाल बन गई है, उड़द और चने की है। इसमें उड़द की दाल अगर 1 कटोरी है ना, तो चने की दाल मैंने 1/2 कटोरी ली है। फिर उसको मैंने कुकर में सीटी मार के बनाया है, और लेकिन बहुत अच्छी लगती है ये दाल। इसमें सीटी ज़्यादा आती कुकर में, 4-5 सीटी आ गई थी, क्योंकि ये दाल ना उड़द की दाल और चने की दाल ना बहुत देर में बनती है, तो अधिकतर इसमें 4-5 सीटी मारती हूँ मैं मीडियम आँच पे। और धनिया डाल दिए काट के, और घी डाल दिया है, दाल हो गई है रेडी। तो आप लोग भी आइए, खा लीजिए आके दाल और रोटी। आज तो मैंने कहा था कुछ नहीं बनाया है, सिंपल सा खाना बनाया है। तो चलो ब्लॉग का करती हूँ एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।